नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यम्मी टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मैगी पोटैटो चीज़ बॉल शेयर करूँगी, जो बहुत ही लाजवाब रेसिपी होती है। आप इसको सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में कभी भी बना सकते हो, और बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज़ जाती है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए आइए हम मिलकर मैगी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाते हैं। मैगी पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए हम जिन सामग्री की आवश्यकता होगी, मैंने मैगी को ले रखा और इसको मैंने तोड़ दिया, ये 2 पैकेट मैगी है। आलू को उबाल के रख लिया हमने। मैदा 2 चम्मच, चावल का आटा 2 चम्मच, चीज़, 1 प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया, थोड़ा सा ऑयल चाहिए हमें, हरी मिर्च, अदरक को ग्रेट कर रखा है, जीरा, काला नमक, सब्जी मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, गर्म मसाला और नमक। अब हम पहले मैगी को बनाएंगे। हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल रखा है मैंने, और तेल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें, ये जो मैंने जीरा ले रखा था, मैं आधा जीरा इसमें डाल दूँगी। ये हमारा जीरा चटकने लगा। जीरा चटक जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डाल के और मैगी बनाएंगे। हमारा जीरा चटक गया, इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी बहुत कम डालेंगे क्योंकि मैगी को हमने सूखा ही बनाना, बहुत गाढ़ी मैगी सूप वाली नहीं बनानी है। आधा गिलास पानी बहुत ज़्यादा है। इतना डालने के बाद मैगी को हमने बारीक तोड़ रखा है, तोड़ के ही बनानी क्योंकि इनके लंबे लंबे रेसे नहीं चाहिए, बिल्कुल तोड़ के बारीक रख रखी है। और मैगी का टेस्ट मेकर भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये 2 पैकेट मैगी का 2 टेस्ट मेकर है, ये इसमें पड़ जाएगा दोनों। और इसको हम ढक के पकाएंगे, और पानी हम नहीं डालेंगे। इतने पानी में मैगी हमारी आराम से पक जाएगी। हमें मैगी को बहुत ज़्यादा गला के नहीं बनाना है, हल्का सा उबालना है, और इसको हम ढक देंगे, ये बन जाएगी। ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनती है, खास करके बच्चों को बहुत पसंद आती है, और नाश्ते में आप बना सकते हो, और सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में आराम से बन जाती है, और बहुत टेस्टी होती है ये। अब मैं इसको ढक करके मीडियम स्लो पे 5 मिनट के लिए रखूँगी, आराम से ये अपने भाप में ही पक जाएगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी मैगी को चेक करते हैं। इसमें हल्का हल्का पानी है, इसको पानी को हम सुखा लेंगे फिर बनाएंगे मैगी को। ये मैगी हमें, ये हमारी मैगी पक के तैयार हो गई है, ये ऐसी ही हमें चाहिए। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और सुखा लूँगी। बिल्कुल हमारी परफेक्ट मैगी तैयार है, मैं ऐसी ही मैगी चाहिए रेसिपी के लिए। अब मैं इसे मसाले ऐड करूँगी क्योंकि मैगी थोड़ी गीली है, तो मसाले हमारे आराम से बन जाएंगे। मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, सब्जी मसाला, बस मैं थोड़ा सा लाल मिर्च बचा के रखूँगी क्योंकि बैटर बनाऊँगी, फिर मैं उसमें डालूँगी। ये हमने गर्म मसाला डाला, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चों को देना है तो मिर्च आप अपने हिसाब से ही एडजस्ट करिएगा, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, और ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ले रखा है। ऐसी रेसिपी में चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है, और नमक आप अपने एडजस्ट हिसाब से एडजस्ट करिएगा, मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। इसमें मैं ये जो अदरक ग्रेट करके रखा था मैंने, ये मैंने डाल दिया। अदरक थोड़ा ही डाला है, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं चाहिए। इनको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिलाने के बाद, ये हमारा मसाला, मैगी गर्म है तो हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और ये मैगी जब हमारी बिल्कुल सूख जाएगी, फिर मैं इसमें जो अपने उबले हुए आलू हैं वो ऐड करूँगी इसमें। मैं हमारी मैगी बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, बिल्कुल चटपटी मैगी बनी है। अब मैं इसमें आगे सामग्री ऐड करूँगी। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाना है, तो मिर्च थोड़ी ही डालेंगे। और इसमें मैं डालूँगी आलू जो मैंने उबाल के रखा हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा मैंने मैस नहीं किया हुआ, मैं कढ़ाई में ही हल्का हल्का मैस करूँगी, बिल्कुल बारीक मैस नहीं करना है इनको।
अच्छे से दबाते दबाते मैगी और आलू को एक साथ मिलाना है अच्छे से। ये बिल्कुल एकदम एक आटे की तरह हो जाएगा सारा मिलकर के, एकदम बिल्कुल एक डो तैयार हो जाएगा, परफेक्ट डो। ये हमारा आलू और मैगी बिल्कुल मिल चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें प्याज और हरी धनिया डालेंगे। प्याज को हमें पकाना नहीं है, प्याज को हमें क्रंची ही रखना है इसमें, तो इसके हमें पकाना नहीं है। गैस को हमने सिम ही रखा हुआ है, इसमें मैं प्याज मिलाऊंगी और हरी धनिया मिला दूंगी और इसको हम मिला देंगे। ओके, चाट या पकौड़ी वाली चीज़ों में जब प्याज का क्रंच आता है तो ही टेस्टी लगती है। इसमें मैंने इसलिए डाला कि क्योंकि इनकी गर्माहट से प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो प्याज कच्चापन नहीं आएगा और लेकिन इसका क्रंच आता रहेगा। आप इसको बाइट करोगे तो इसका क्रंच आएगा मुंह में। और गैस को बंद कर देंगे और बैटर को इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तभी हमारी बॉल्स बन पाएंगी। इनको मैं फैला के रख दूँगी। अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो 10 मिनट के लिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। और मैं इनको ठंडा कर लूँगी फिर मैं बॉल बनाऊँगी इनकी। हमारा मिश्रण अब ठंडा हो गया है। हम हाथों को चिकना करके और बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे हथेलियों में। और बॉल बहुत छोटी नहीं बनेगी, बहुत बड़ी नहीं बनेगी। आपका अप्पम मेकर जिस साइज का आप बॉल उसी साइज की बनाना, क्योंकि ये अप्पम मेकर में ही कुक होगा, ये फ्राई नहीं होगा। हम ऐसी बॉल बना करके बीच में ऐसा होल सा बनाएंगे बिल्कुल। और इसमें फिर हम चीज़ भरेंगे। ये मैं मोजरेला चीज़ भर रही हूँ। अगर आपके पास क्यूब्स वाली है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप वो भी भर सकते हो आराम से। इसको हर तरफ से घुमा के हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल एक चिकनी सी बॉल बना लेंगे। बिल्कुल इस साइज की बॉल बना करके हम तैयार करेंगे। मैं एक और बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही चटपटी लगती है, रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मैगी तो ऐसे ही बच्चों की फेवरेट होती है, लेकिन हम एक मैगी से बहुत चीज़ें बहुत डिश बना सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की बात है और कुछ नहीं है। इसमें चीज़ भरेंगे, इसमें थोड़ा सा चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भरना। अगर बहुत ज़्यादा भरेंगे तो फिर जब मैं इसको बनाऊँगी अप्पम मेकर में तो अगर बॉल फट गई तो सारी चीज़ ख़राब हो जाएगा, ये सारा बॉल ही। क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होने लगेगी तो फिर चीज़ जल जाएगी, मेल्ट होगी तो चीज़ जल जाएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये बिल्कुल चिकनी चिकनी बॉल आराम से बन जाएगी। मैं और बॉल बना लेती हूँ। हमारी बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं ये। अब हम इनका बैटर बनाते हैं। मैंने डोंगे में पहले से ही थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा डाल रखा है। अब मैं इसमें 3 चम्मच चावल का आटा डालूंगी। ये बड़े चम्मच से 3 चम्मच पड़ेंगे, बिल्कुल मैंने नाप के रखा होगा। 3 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच मैदा। मैदा ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो इसमें। और एक इसका मैं ना बहुत पतला बनेगा ना तो बहुत गाढ़ा, मीडियम साइज़ का बैटर बना के मैंने नमक इनसे इसलिए डाला है कि नमक डालने से जो आप ऊपर जब बाइट करोगे तो वो फीका फीका सा नहीं स्वाद आएगा। इसको बिल्कुल बना लेना है, स्मूथ बैटर बनाना है इसका। जब तक मैं बैटर बनाऊंगी तब तक मैं अपने गैस को ऑन कर रखूंगी। और मैंने इस पर अप्पम मेकर पहले से ही रख रखा है ग्रीस करके, क्योंकि इसको मैं अप्पम मेकर में बनाऊंगी, इसको मैं फ्राई नहीं करूंगी। ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम जाएगा। अगर ये फ्राई होता तो ऑयल बहुत ज़्यादा जाता तो हेल्दी थोड़ा हो जाता, लेकिन ये हेल्दी है। अभी ये गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी 1 चम्मच में। ये चावल का आटा डालने की वजह से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बनके तैयार हो गया।
हमारा अप्पा मेकर थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। ये थोड़ा हीट हो जाएगा तभी बनाने में सही रहेगा, अगर हम ठंडे में डाल देंगे तो सही नहीं बनेगा। इसे थोड़ा सा इसको गर्म होना ज़रूरी है अप्पा मेकर को। अप्पा मेकर हमारा गर्म हो गया है और मैं इसमें एक एक बॉल को इसमें डिप कर करके और आराम से डालती जाऊंगी। ये घोल ऐसा होना चाहिए कि बहुत मोटी परत ना जमे लेकिन एक कोट सा हो जाए बॉल पे, बस ऐसा ही चाहिए हमें। और मैं इसको आराम से इसमें डालती जाऊंगी। ये इसको घुमा फिरा के ऐसे आराम से फटाफट डालते रहेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे कोट कर दूंगी। गैस को सिमर कर लेंगे। इसको हम सारे अब खानों में अब डाल देंगे फिर इसको हम ढक देंगे। बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए, अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा तेल डालूंगी क्योंकि फिर जब मैं इनको पलटूंगी फिर तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा डाल करके सारे बॉल्स को ऊपर डालनी पड़ेगी आराम से डाल के। और अब हम इनको ढक देंगे, ढक के कम से कम 3 मिनट तो ढकेंगे फिर हम इसको पलटेंगे बॉल को। 2-3 मिनट हो गया, हम इनको चेक करते हैं। इनको आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही पलटेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। ये हमारा हो गया, परफेक्ट हो गया। अब मैं इनको धीरे धीरे पलटती जाऊँगी। आप पलटते समय इतना ध्यान रखना कि जो अप्पम आपने पहले डाला है उसको पहले पलटिएगा, क्योंकि अगर बाद में डाला वो अप्पम पहले ही पलट देंगे तो फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं और वो चिपकेगा, क्योंकि बैटर मैदे का है और चावल के आटे का, चावल का आटा भी चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा परफेक्ट तैयार हो गया। इसको मैं एक दो बार और पलटूंगी फिर घुमा घुमा के इसको बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। इसी तरह हम सारे बॉल को पलट लेंगे। अपने अप्पम को एक बार और चेक करते हैं। ये वैसे तो पक चुके हैं लेकिन इनको घुमा घुमा के हमें लाल सेकना होगा बिल्कुल क्रंची सा। धीरे धीरे से बैटर पका नहीं है, थोड़ा वाइट सा लग रहा है, उधर से मैं घुमा घुमा के इनको अच्छे तरीके से सेकूंगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल, अगर आप चाहो तो गैस को मीडियम हाई कर लेना क्योंकि ये पक चुका है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कच्ची है। हमने पतला सा घोल बनाया था वो भी ढकने के बाद पक चुका है। हमारी ये पोटैटो बॉल्स तैयार हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल। आप देख, बिल्कुल करारे बनेंगे, आप इसको देख सकते हो, ये बिल्कुल ही करारे बनेंगे लाल लाल। जो पके जाएंगे उनको मैं निकाल के रखती जाऊंगी और जो नहीं पके होंगे उनको मैं बीच में डालूंगी, क्योंकि बीच में अप्पम मेकर ज़्यादा गर्म होता है, साइड में थोड़ा कम हीट आती है, इससे कम गर्म होते हैं। आराम से मैं इसमें निकालती जाऊँगी और मैं फिर अब प्लेट करूँगी इसको। ये बिल्कुल परफेक्ट रेड हो चुके हैं, ब्राउन से हो चुके हैं बिल्कुल। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अब मैं इनको प्लेट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी मैगी पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल यम्मी टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर घर पे अपने ट्राई करो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके अंदर जो हमने चीज़ को स्टक किया है वो आप जब इसको करोगे तो देखो ये बिल्कुल चीज़ ऐसे निकल के आएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी आपके घर में। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करो। अगर डिश पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसलिए इस डिश को एक बार ज़रूर आप ट्राई करो।